नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एसएससी क्रैकर्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर ट्रिक्स। मतलब कैलेंडर ट्रिक्स में ऐसे सवाल आते हैं जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ऐसे तरीके क्वेश्चंस हम कैलेंडर ट्रिक्स में निकालते हैं। तो उसके लिए हमको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, जैसे मंथ कोड, सेंचुरी कोड, डेज। तो आपको याद हो गया। देखिए, आप मंथ कोड आपको याद करने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये चार सेट्स में डिवाइड हैं, शुरू के तीन, फिर तीन, फिर तीन, फिर तीन। तो आपको ऐसे याद रखें 033, 035, 614, 625। 033, 035, 614, 625। ठीक है, आपको ये इस तरीके से याद रखने हैं, 033, 035, 614, 625। आप इन सभी को फिंगर टिप्स पे भी याद कर सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये चार सेट हो गए, एक ये, दूसरा वाला ये, तीसरा ये और चौथा वाला ये। अब जैसे आपको अगस्त का निकालना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तीसरे सेट में दूसरे नंबर पर क्या है, दो है, ये रहा दो, दो है। तो आप इसे दो निकाल सकते हैं, या आप इसे ऐसे याद करें 033, 035, 614, 625। 033, 035, 614, 625। ठीक है, आप जैसे अक्टूबर का निकालना है आपको, अक्टूबर कहाँ था है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब चौथे सेट का पहला। यहाँ 035 था, जीरो मतलब अक्टूबर का जीरो है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और अब आइए सेंचुरी कोड, जैसे 1600, 1700, 1800, 1900। सेंचुरी 1950 है, जैसे यहाँ, यहाँ सेंचुरी कौन चल रही है, 1900। तो 1900 ऐसे ये सेंचुरी कोड आपको याद करने हैं। जैसे 1600 कौन सा है, लीप सेंचुरी है। लीप सेंचुरी हमेशा वो होती है जो 400 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वो लीप सेंचुरी होती है। अब ये जो लीप सेंचुरी है वो हमेशा 6 पर लेनी है। आपको याद कैसे करने हैं, जैसे लीप सेंचुरी यहाँ L लिखा हुआ है, लीप सेंचुरी आपको यहाँ लेनी है। ठीक है, 1600, 1700, 1800, 1900, 6, 4, 2, 0। ठीक है, ये 6, 4, 2, 0 आपको ये याद करने हैं। ठीक है, लीप सेंचुरी की जगह यहाँ 1200 भी आ सकता था, 2000 भी आ सकता था। अब जैसे 1900 है, 1900 के लिए 1600, 1700, 1800, 1900, 6, 4, 2, 0, 1900 के लिए 0 है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद करनी है। और आगे चलते जैसे मतलब 2100 आ जाता तो 2000 लीप है, फिर 2100, 6, 4, यहाँ पे 4 2100 के लिए आ जाता है। इस तरीके से आपको याद करनी है। डेज आप कैसे याद करेंगे, जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। रवि के लिए आपको हमेशा 0 लेना है और सोमवार से लेकर शनिवार तक 6, जैसे सोमवार के लिए 1, मंगल के लिए 2। ठीक है, रवि के लिए 0 लेना है, आपको ये चीज़ हमेशा याद करनी है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950, इसमें सबसे पहले आपको ये डेट लिखनी है। 26 जनवरी के लिए कौन सा कोड है, 0। 1900 वाली सेंचुरी है, 1900 के लिए क्या है, 0। ठीक है, 50 ये जो लास्ट में ईयर होता है 2 डिजिट का, ये हमें ये लिखना होता है। और हमें 4 से इस 50 वाले ईयर के जो लास्ट होता है 4 से भाग कर इसका भागफल नोट करना होता है। जैसे 50 को 4 से भाग कर दें तो कितना आएगा, 4 × 1 = 2, 1 × 0 = 4 × 2 = 8, 2। ठीक है, 12 था, 12 × 4 = 48 होता है, तो 12 है ये भागफल, आपको नोट करना है बस भागफल, शेषफल से आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भागफल नोट करना है। आप अब इनकी एडिंग कर दीजिए, कितना आता है, 6 × 2 = 8, 5 × 6 = 7, 8, 88 आता है। अगला स्टेप क्या है, आपको 7 से भाग करना है और शेषफल नोट करना है। 7 से भाग करना है 88, 7 से 7 × 7 = 8, 7 × 2 = 14, भाग शेषफल क्या है, 4, मतलब 4 आपका शेषफल, यही आपका आंसर है। 4 पे क्या आता है, बृहस्पति, तो इस दिन बृहस्पतिवार होगा।
ठीक है, इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं टाइप टू की तरफ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका लीप ईयर कौन सा होता है? लीप ईयर आपका वो होता है जो ईयर आपका 4 या 400 से पूरी तरह भाग हो जाए। जैसे जैसे 2016, 4 से 4 5 20, 0 16, 416, ये आपका लीप ईयर है। ठीक है, अगर हमें लीप ईयर निकालना हो, जैसे अगर यहाँ पे 52 होता, 52 शायद लीप ईयर, 4 चौक 16, 1 4 3 12, 52 लीप ईयर है और यहाँ पे जनवरी है, तो जो आंसर आता है इसमें से एक घट जाता है, ये रूल ये है, -1। लीप ईयर और जनवरी और फेबररी दे रखी हो तो एक घट जाता है, अगर या कोई और दे रखा हो तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सेम का सेम रहेगा। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे 26 जनवरी 1952 लीप ईयर है और जनवरी दे रखे, मतलब जो आंसर आएगा उसमें से एक घटा देंगे, 26 जनवरी का 0 1900 का 0 52 है। ठीक है, 52 को 4 से भाग करेंगे, 13 चौक 52, ठीक है, 52 को 4 से करेंगे, 13 चौक 52 होता है। मतलब एक बार हमें ये भाग वाला, 4 से भाग वाला नोट करना होता है, और एक बार वर्ष जो पीछे दिया हुआ होता है। ठीक है, तो 26 का 26 जनवरी का 0 1900 का 0 52 को 52 लिखेंगे, और एक बार इसे जैसे मैंने पहले इसमें यहाँ बताया था, 4 से भाग करेंगे तो 13 चौका 52, इसको 13 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इनको ऐड कीजिए, ऐड करने में क्या आएगा, 6 3 9 11 1 9 91 आ गया। 91 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13 13 आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 1 7 2 1 13 से पूरी तरह हो रहा है, मतलब 0 आ रहा है, 0 हमारा आंसर रविवार है, लेकिन ये लीप ईयर है तो इसमें से एक घटेगा। आपको ऐसे नहीं 0 में से एक घटाना, माइनस एक कर देना, ऐसा नहीं है, 0 में से एक जा रहा है तो एक पहले, मतलब शनिवार है तो इसका आंसर होगा शनिवार। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर आपको और अपना टाइम बचाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये हैं, आप इनको ऐड करके 7 से भाग मत कीजिए, आप इनको साथ में ही भाग कीजिए। जैसे 7 से 26 को भाग करेंगे, 7 या 21, 5 बजे। ठीक है, इस 52 को 7 से भाग दीजिए, 7 7 49 3 बज गए, इस 13 को 7 से दीजिए, 7 एकम 7 6 बज गए, तो इनका जोड़ क्या होता है, 6 और 3 9 और 5 14, इस 14 को अब 7 से डिवाइड किए, 7 दूनी 14, मतलब शेषफल हमेशा नोट करते हैं, शेषफल क्या है, 0 है, इसका 0 है, तो 0 रविवार आता है, ये लीव वर्ष इसलिए -1 कर, इसलिए शनिवार है। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा लंबा ना करके यहीं पे ही काट सकते हैं, जो शेषफल आए उसको नोट कर लीजिए, फिर ऐड करके फिर काट दीजिए, फिर जो शेषफल आए उसको नोट कर लीजिए, वही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।